निश्चित रूप से महंगाई एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण विषय है, आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। हर आम साधारण वर्ग, मध्यम वर्ग, खाते पीते वर्ग के लिए, सबके लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, सबके लिए महंगाई एक बड़ा बड़ी समस्या बनी है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, गैस महंगी हो रही है, रसोई गैस महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। बाजार में आप कहीं भी जाए, कुछ भी ले लें, तो बजट डेढ़ दूना हो गया है। अब आपका प्रश्न ये है कि अच्छा, अभी आरबीआई ने जो रेपो रेट जिस तरह से बढ़ाए हैं, उससे ईएमआई महंगी हो जाएगी आपकी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की, कार और की, ईएमआई महंगी होने से महंगाई कम हो जाएगी, घर घर की वो भी महंगी होगी। अब ये तो सरकार का तर्क है महंगाई कम हो जाएगी ईएमआई महंगी से होने से, या रिजर्व बैंक गवर्नर साहब का अपना तर्क है। अब क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। और मैं जो अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं इस पर इसलिए बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता, मुझे अर्थशास्त्र थोड़ी कम है, मैं तो राजनीतिक विषयों पर ज्यादा बात करता हूँ। तो भाई मेरा सवाल है, मूल प्रश्न मेरा आपसे भाई, हालांकि अर्थशास्त्र भी राजनीति का ही से अलग नहीं है, पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्री रखा था, लेकिन आंकड़ों का जो अर्थशास्त्र है वो थोड़ा हमको कम समझ में आता है, तो उसके लिए तो अरविंद जी ज्यादा उपयुक्त है इस मामले में। लेकिन आपने जो कहा कि मुद्दा नहीं बन पाता है, मुद्दा हिंदू मुस्लिम है, मुद्दा हिंदी और गैर हिंदी है, या कभी कहीं जो है कोई हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मुख्यमंत्री के निवास के बाहर जिद कर रहा है वो मुद्दा है, तो कोई कहेगा प्रधानमंत्री निवास के बाहर पढ़ेंगे, तो ये मुद्दे हैं जो गैर जरूरी मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि इसके दो कारण है। पहली वजह तो यह है कि देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान हो, वो अपने खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बनने देना चाहता है। वो चाहे मौजूदा निजाम हो या इसके पहले के निजाम हो, हर निजाम की कोशिश होती है कि उसके खिलाफ जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हाईलाइट ना हो पाए, वो जन विमर्श का मुद्दा ना बन पाए। तो जाहिर है महंगाई हमेशा सरकार के खिलाफ जाती है, महंगाई अगर मुद्दा बनेगी तो लोगों का गुस्सा, रोष वो सरकार के खिलाफ होगा, तो सरकार क्यों चाहेगी कि महंगाई मुद्दा बने। अब सवाल ये जिम्मेदारी जो है किसकी है कि महंगाई मुद्दा बने, ये जिम्मेदारी है राजनीतिक दलों की जो विपक्ष में है, ये जिम्मेदारी है मीडिया की, ये जिम्मेदारी है सामाजिक संगठनों की, ये जिम्मेदारी है आम लोगों की कि वो महंगाई को मुद्दा बनाए और सरकार पर दबाव बनाए कि महंगाई पर नियंत्रण हो। आप याद कीजिए कि मनमोहन सिंह के जमाने में एक बार ऐसी स्थिति आई थी, महंगाई बहुत बढ़ी थी और उसमें बहुत चर्चा हुई थी, सारे टेलीविजन मीडिया अखबारों में महंगाई, तो उसके बाद तुरंत मनमोहन सिंह ने सारे मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और उसके बाद एक कमेटी बनी थी जो महंगाई पर विचार करेगी, महंगाई के कारणों पर विचार करेगी, दूर करने के उपाय सुझाएगी। उसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी बनाए गए थे, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अरविंद भाई को याद होगा अच्छी तरह से। तो चूंकि जनता का दबाव था और मीडिया का दबाव था, सामाजिक राजनीतिक दबाव, तो तुरंत सरकार को लगा ऐसा करना चाहिए। शरद पवार उस वक्त उपभोक्ता मामलों के, फूड एंड सिविल सप्लाई के, कंज्यूमर अफेयर्स के और कृषि के मंत्री थे, तो चीनी बहुत महंगी हो गई थी, बहुत सारी और महंगाई पर संसद में बाकायदा पूरी चर्चा हुई, बहस हुई, लंबी बहस हुई थी महंगाई पर। लेकिन अब तो समस्या ये है कि एक तो विपक्ष, वो भी महंगाई के मामले में जैसे राहुल गांधी जी हैं, उनका रोज एक ट्वीट में आ जाता है और वो महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और उनको लेके अपना एक तीर छोड़ देते हैं ट्वीट के माध्यम से। उसके बाद हो सकता है उसको फॉलो करता है प्रियंका जी का एक ट्वीट आ जाए। बाकी नेता तो जो विपक्ष के हैं वो तो ट्वीट भी नहीं करते, शरद पवार का कोई ट्वीट नहीं आता, ममता बनर्जी का नहीं आता, जगन मोहन का नहीं आता, और जो दूसरे दल हैं अखिलेश यादव हो गए, अखिलेश यादव का थोड़ा नहीं लगा है, मायावती जी ने तो खैर तौबा कर ली, तय कर लिया उन्हें विपक्ष में बैठना ही नहीं है, तो वो तो सरकार में है, सरकार के साथ है कि नहीं है। तो एक तो राजनीतिक दल जो है उनके लिए शायद महंगाई मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि सारे नेता जो है हर दल के वो बड़े छके हुए हैं, छके हैं, थके हैं, चुके हैं, तो वो उनको महंगाई शायद महसूस नहीं होती होगी। कि कोई एमपी, कोई बड़ा नेता तो जाता नहीं बाजार सब्जी लेने, वो उनके घर में सामान कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है और कौन ला रहा है, इसका एक अलग अर्थशास्त्र है कि वो कहाँ से होता है सारी चीजें, तो इसलिए उनको असर नहीं पड़ता। जो बड़े धन्ना सेठ है उनको असर नहीं पड़ता, और जो रोटी नमक खाने गुजारा करने वाला मजदूर है उसको असर तो पड़ता है, लेकिन उसके आवश्यकताएं इतनी न्यूनतम है, इतनी कम है कि वो भी अपना काम चला लेता है। समस्या आती है मध्य वर्ग की सबसे ज्यादा, नौकरी पेशा वर्ग, तो उनके लिए अब उनको
ड्यूटी पे भी जाना है, कार भी चलानी है, स्कूटर भी चलाना है, मोटरसाइकिल भी चलानी है, बस से भी सफर करना है और बाकी जगह, तो वो उनके लिए मुद्दा बनता है। लेकिन उनको उलझाने के लिए बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं। हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व का असर्शन होना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, अजान बंद हो या कम हो, फिर ये मुद्दे आ जाते हैं। तो अब एक व्यक्ति जो है उसको भूल जाता है कि जब सुबह वो सब्जी लेने गया था तो जो उसको सब्जी पिछले हफ्ते 100 रुपए में मिली थी वो इस बार 150 रुपए उसको देने पड़े, वो इसके ये भूल जाता है। अब वो फिर सोचता है यार हनुमान चालीसा का तो 5 साल को होना चाहिए। तो अब ये तो भारतीय हर सरकार हर व्यवस्था ऐसे मुद्दों से बचने की कोशिश करेगी जो उसके लिए असहज हों। ये जिम्मेदारी नागरिक संगठनों की है, ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, ये जिम्मेदारी नागरिकों की खुद है कि वो खुद इन मुद्दों पर अपने को समझे। उन्हें तय करना पड़ेगा कि हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ना ज्यादा जरूरी है या महंगाई पर नियंत्रण पढ़ना ज्यादा जरूरी है। सही बात, हनुमान चालीसा का कोई विरोध नहीं कर सकता। हनुमान चालीसा तो हम लोग बचपन में नहाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते थे, स्नान कर रहे हैं कुएं पे और जो हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस तीनों को जाकर पाठ करते हुए सारे बुजुर्ग लोग जो है हनुमान जी को याद करते थे। और फिर जाकर के ज्यादा श्रद्धा है तो पूजा घर में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कोई एक बार, कोई 10-11 बार, कोई 21 बार, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है आज भी उसमें भी है। तो अब सवाल ये है कि वो एक राज ठाकरे साहब ने जो है कहा कि हम तो हर मस्जिद के सामने पढ़ेंगे, मतलब यानी अगर मस्जिदें ना हो तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी क्या? ये जो है कौन सा भाई, किस रामायण में तुलसीदास से लिख गए हैं कि मस्जिद के सामने पढ़ी जाए, दरगाह के सामने पढ़ी जाए हनुमान चालीसा, या मुख्यमंत्री के घर के सामने पढ़ी जाए, या सांसद के घर के सामने पढ़ी जाए? अब उस निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अब अस्पताल में है, ईश्वर उनको स्वस्थ करे और उनको दीर्घायु दे, क्या उनको जिद पकड़ लिया उद्धव ठाकरे घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? अरे भाई आप सांसद हो, आप अपने क्षेत्र की समस्याओं पर संसद में बोलो। आप अगर महाराष्ट्र की सरकार को आपको घेरना है तो अपने क्षेत्र की समस्याओं पर घेरिए यार। वहां पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, बहुत सारी समस्याएं जिन पर आप सरकार को उद्धव ठाकरे पर आप घेर सकते हैं, आप उसको वहां उस पर धरना लगाओ, समझ में आता है, प्रदर्शन करो, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।